खबर रीवा से है, जहां सरकारी कामकाजों को संपादित करने के लिए कार्यालयों में जिस तरह से कर्मचारियों की कमी है, उसे पूर्ण करने के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिसे सम्मानजनक नाम आउटसोर्सिंग का दिया गया है। हालांकि यदि इसे एक ठेके के कर्मचारी की संज्ञा दी जाए तो वह सर्वथा उचित होगा। इन कर्मचारियों की स्थिति बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है। स्थिति यह है कि कंपनी से अनुबंध इनका कुछ और होता है और वास्तविकता बिल्कुल उससे परे होती है, जिसका परिणाम इन कर्मचारियों की दिव्यांगता और मौत के साथ पूर्ण होती है, जिसके ज्वलंत उदाहरण विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग वर्कर्स के हालात को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां सुरक्षा के उपकरणों के बिना ही विद्युत मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है और वो भी कार्य कराया जाता है जिसका कि अनुबंध वर्कर्स के साथ नहीं है। कहने का स्पष्ट अभिप्राय है कि वर्कर्स का शोषण प्रत्येक स्तर में किया जाता है। ये सियासत की बाजीगरी ही है कि ज्यादातर आउटसोर्सिंग कंपनियां सत्ता के भागीदारों या दलालों की होती हैं, लिहाजा एक तरफ से सरकार इनका योग्यता अनुसार वेतन और सुविधाएं ना देकर शोषण करती है, तो ये आउटसोर्सिंग कंपनियां इनके वेतन में से मोटा कमीशन काट लेती हैं। हद तो तब हो जाती है जब समय पर इनकी मजदूरी तक मुनासिब नहीं होती। ये सब खेल सत्ता की सह से इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। आउटसोर्सिंग और PPP सत्ता के भागीदारों में लाभ पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है, जिसके माध्यम से यहां एक ओर युवाओं के रोजगार को छीना जा रहा है तो वहीं PPP के नाम पर सार्वजनिक स्थानों को खत्म करने का षड्यंत्र भी खेला जा रहा है। ठेकेदारी का यह खेल सत्ता में बैठे नेता अपने परिजनों के लिए बड़े ही शातिराना अंदाज से अंजाम दे रहे हैं। शायद वो यह न समझी कर रहे हैं कि वह उनके इस खेल से वाकिफ नहीं। रोजगार चुनावी मुद्दा ना बने या सरकार की कोशिश होगी, लेकिन युवा भी जानता है कि चुनाव के समय ही सरकार घुटनों में आती है और तभी इस मुद्दे के साथ उसे गिरा देने का सही समय होता है। बस वक्त का इंतजार है। देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में युवा रोजगार के मुद्दे में कितना मुखर होता है और सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर देता है। मैं प्रकाश मिश्रा, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष। हम लोग आउटसोर्स कंपनी में कार्यरत हैं। जैसा कि 2009 से पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कंपनियाँ ठेका लेकर के कर्मचारियों से कार्य करा रही हैं और उनका समय पर वेतन भुगतान एवं EPF की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारे रीवा ज़िले में बिजली विभाग में 1 अप्रैल 2020 को मैसर स्ट्रीट डिटेक्टिव कंपनी आई, जो आज तक हमारे किसी भी कर्मचारी के EPF की राशि एवं वेतन का भुगतान नहीं की, सारा पैसा खा के भाग गई। हम रीवा ज़िले में बिजली कर्मचारी लगभग 712 लड़के हैं, जिनका न समय में वेतन दिया जा रहा है, न EPF का भुगतान किया जा रहा है। सुनने को आया है कि नई कंपनी आ गई है, इसमें पुराने लड़कों को बाहर कर दिया जाएगा। हमारे लगभग 8 से 9 कर्मचारी जो इसी सत्र में घायल हो गए, एक्सीडेंट हो गए, जबकि उसमें एक ख़त्म भी हो गया, विभाग द्वारा न उसे सही समय में मुआवजे की राशि दी गई, न तत्कालीन एक्सीडेंट का कोई बेनिफिट उसे मिला। अभी एक घटना हमारे देतुलाव में घटी, जो लड़का करंट से झुलस गया, जो जबलपुर में अभी एडमिट है, उसके लिए त्वरित सहायता राशि जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं कराई गई है और ना ही आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन एवं EPF का भुगतान किया जा रहा है। यहाँ लाखों की दलाली और घोटाले का खेल चल रहा है, जिससे हमारे सभी साथी परेशान हैं। सरकार रोजगार देने की बात करती है, वो आज बेरोजगारों को ठेके में ला दिया, ठेकेदारी में ला दिया है। क्या लगता है कि खोखले वादे थे सरकार के? सरकार के खोखले वादे साबित हो रहे हैं, क्योंकि ठेका तो आपने दिया लेकिन उसका आपने सही ढंग से निर्वहन नहीं करवाया। बच्चों का EPF का पैसा दलालों ने खा लिया, आज तक किसी के खाते में EPF का पैसा नहीं जमा हुआ। क्या नाम है आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पांडे, अवनयन पांडे है मेरा नाम। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और कैसे कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप? तो हम लोग जो काम कर रहे थे आउटसोर्स, जब हमारे माननीय राजन शुक्ला जी मंत्री हुए थे, हम लोग 2009 से लगातार आउटसोर्स में काम कर रहे थे। आज तक ना कोई EPF का पैसा दिया गया हम लोगों को, ना ESI और ना बोनस कुछ नहीं मिला। इस वजह से हम लोगों ने धरना भी रखा आपके सी ऑफिस और एसी ऑफिस कार्यालय में, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक हो गया, दूसरी भी कंपनी हमको सुनने में आया कि दूसरी कंपनी एक आ रही है,
उसका भी टेंडर हो चुका है, लेकिन आज तक ईपीएफ और ईएसआई की राशि और ज्वाइन लेटर और ना अभी हमारा एक्सीडेंट एक भाई हुआ उसको भी पेमेंट नहीं दी गई। तो इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे रीवा में चल रहा है, युवाओं का शोषण है। आउटसोर्स के माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं, 2400 घंटे काम लिया जाता है, 24 आवर्स हम लोग लाइट में चढ़ के काम लेते हैं, परमिट भी ली जाती है। उसके बाद अगर कोई घटना घट गई तो हमारे भाई को दवाई के लिए पैसा मिलता है, और ना कोई भी एक भाई जबलपुर में एडमिट है उसके लिए हम लोग भी आज आवेदन दिए हैं। किस तरह से कंपनी आप लोगों को रखी है, क्या लगता है सरकारी जो नौकरी देने की बजाय ठेकेदारी में रखकर उसका शोषण हो रहा है, किसकी कंपनी है ये? बड़े नेताओं की है, बड़े मतलब ये एक जो अभी जो खा रहा पैसा ये चला गया, ट्रिक कंपनी थी इसके पास वर्ल्ड क्लास थी, ये आपके बाहर की है, कोई पंजाब का है उसके थ्रू से, ये सिक्योरिटी कंपनी है, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन करवा के फर्जी काम करवा के इलेक्ट्रिकल का काम करवा रहे हैं, ये है सिक्योरिटी कंपनी, इसकी भी जाँच करवाई जाए। पीएफ कमिश्नर साहब से मेरा आपके द्वारा विराट न्यूज से यही है कि आप लोग पहुँचाएं इस न्यूज को और देखें। सैलरी लगभग आपको वहाँ से मिलती है, कितना ये देता है? हमारी सैलरी मिनिमम है 25,000 रुपए, जो यहाँ दिया जाता है, किसी को 6,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, इस तरह का हमारे यहाँ भ्रष्टाचार रीवा में है। आप लोगों ने कभी राजेंद्र शुक्ला जी से भी बात की थी और किसी जनप्रतिनिधि से बात की इसके निराकरण? मैं मंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला के पास भी हम लोग गए थे तो बोले थे कि हम बात करते हैं, हम लोग लेटर भी दिए थे, कोई आज तक कोई मांग नहीं हुई। आठों विधानसभा में आठों विधायक से मैं मिल चुका हूँ, पूरे मेरे साथी हैं 712 लड़के, वो भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है, इसलिए कि मोटी रकम खाए हुआ है, इसलिए कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आउटसोर्स में काम करने वाले कितने लोग हैं? 712 लड़के हैं हमारे बिजली विभाग आउटसोर्स में पूरे रीवा सर्किल में। बिजली विभाग